हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप सबसे आज काफ़ी अच्छा इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जैसा कि आप सबको पता है कि नीट पीजी 2020 राउंड टू का शेड्यूल पब्लिश कर दिया गया है एमसीसी राउंड टू के लिए, और साथ में आपको कर्नाटका ने भी पब्लिश कर दिया है नोटिफिकेशन। और इस वीडियो में खास करके मैं बात करने वाला हूँ कि राउंड टू में क्या रहेगा क्लोजिंग रैंक। आप स्क्रीन को अच्छे से देखिएगा इस वीडियो में और समझिए, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या रैंक है और कौन कौन से ब्रांच मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि राउंड टू में क्या रहेगा। ऑल इंडिया 50% गवर्नमेंट कॉलेज का क्लोजिंग रैंक, किस रैंक पे आपको सीट मिल सकती है। इसमें आपका नीट पीजी 2019 का राउंड वन का क्लोजिंग रैंक, राउंड टू का क्लोजिंग रैंक दिखा शो करेगा स्क्रीन पे, और साथ में आपको कितने सीट पे राउंड टू में जो काउंसलिंग हुआ था नीट पीजी 2019 में, वो भी आपको स्क्रीन पे शो करेगा। और आपको राउंड टू का नीट पीजी 2020 में राउंड टू में कितने नंबर, आपको कितने रैंक रहेंगे तो सीट मिल सकता है, ये सारे चीज़ आपको खुद से देखिए और समझिए। ये आपने देखा कि राउंड टू में क्या जा सकता है क्लोजिंग रैंक, सारे इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ था, आप खुद से रीड कर चुके होंगे। अब आपको दिखाना चाहता हूँ कि कर्नाटका ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है राउंड टू के लिए, उसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कब से कराना है क्या नहीं है, वो आप देख सकते हैं खुद से स्क्रीन पे रीड करके नोट कर सकते हैं, या फिर केईए के ऑफिशियल साइट से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल अभी डाउनलोड तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। यह है आपका कर्नाटका का नोटिफिकेशन नाउ राउंड टू के लिए।
कर्नाटका का नोटिफिकेशन था, अब आपको एक बार ऑल इंडिया एमसीसी राउंड टू के लिए जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट आया है उसे भी मैं बताता हूँ। जो राउंड टू का जो डेट दिया हुआ है इससे आप थोड़ा सा समझिए, जो स्टूडेंट राउंड वन में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, या फिर उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ किसी कारणवश, कैंसिल हो चुका है, या फिर वो कोई भी प्रॉब्लम के कारण वो रजिस्ट्रेशन सक्सेस नहीं हो पाया है, वही स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि राउंड वन में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, या फिर वो एमसीसी राउंड वन का हो, या फिर स्टेट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्टेट में भी आप राउंड वन में रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो उन्हें राउंड टू का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए आपको मैं एक बार दिखाता हूँ ऑल इंडिया राउंड टू का भी नोटिफिकेशन, काउंसलिंग का जो डेट रखा गया है वो क्या है, वो तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये था आपका राउंड टू का काउंसलिंग का डेट एमसीसी राउंड टू का, जो आपने जो अभी स्क्रीन पे देखा, और ऑल इंडिया राउंड टू का काउंसलिंग शेड्यूल था, और आपको कर्नाटका स्टेट का भी काउंसलिंग का शेड्यूल है, बिहार का कल नोटिफिकेशन 100% आ रहा है। और इसी बीच आपको डीएनबी का बात करूँ तो डीएनबी के आने वाले कुछ दिन में, 2-3 दिन में आपको कंप्लीट एक ऐसा नोटिफिकेशन लेके आऊँगा, ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको कहीं ना कहीं आप लोगों को होपफुली दिखेगा कि किस नंबर तक राउंड टू में सीट मिल सकता है। ठीक है, तो आप उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, 2-3 दिन में आपको कंप्लीट वीडियो आ जाएगा आप लोगों के बीच। अब वहीं बात करते हैं हम एक और विषय पर, आप लाइन पर रहिए। तो बात करता हूँ बिहार का, तो बिहार में इसलिए काउंसलिंग रुका हुआ था कि वहाँ के स्टूडेंट ने जो कि गवर्नमेंट सर्विस दे रहे हैं वैसे स्टूडेंट ने वहाँ पे FIR किया था, तो इस कारणवश ये रुका हुआ था, लेकिन इसका निष्कर्ष आ चुका है, तो अभी हमें होप है कि कल तक ये सारे प्रोसेस क्लियर कर दे जाएगी, मतलब कल या परसों तक आपको 100% सारे चीज़ अवेलेबल हो जाएंगे बिहार के ऑफिशियल साइट पे। अगर इसके बाद अगर कोई इशू नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो जहाँ तक कि हमारी कहना है, हमारी जहाँ तक की इन्फॉर्मेशन मिली है। इसी बीच आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि लगभग अब हर एक स्टेट का नोटिफिकेशन आएगा, राउंड टू का रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल पब्लिश्ड होगा हर एक स्टेट का, या मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, या फिर झारखंड हो, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो अभी भी लेट है, राउंड वन ही डिले है, लेकिन वहाँ पर बहुत जल्द इसका काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा, वहाँ पे भी कुछ इशू है जिसके कारण रुका हुआ है, लेकिन बाकी जितने भी स्टेट हैं वो अपना नोटिफिकेशन पब्लिश कर देंगे राउंड टू के लिए। और बात करते हैं DNB का, तो DNB का मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, वो 2-3 दिन में आप लोगों तक पब्लिश हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्हें काउंसलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, काउंसलिंग समझ नहीं पा रहे, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आपको हर संभव अच्छी सीट के लिए एक अच्छी काउंसलिंग सपोर्ट दी जाएगी। और वैसे स्टूडेंट जो हाई रैंकर है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं सजेस्ट किया जाएगा कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है आपको, कैसा मिलेगा और कहाँ मिलेगा। ठीक है, आपका और हमारा अप्रोच आखिरी दम तक रहेगा, लास्ट तक रहेगा, जब तक कि सीट अलॉट नहीं होता है या फिर काउंसलिंग प्रोसेस एंड नहीं होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।